वेलकम टू टाइम ट्रेवल एक्सप्रेस गाइस। और आज की ट्रेन जर्नी है मेरी यहाँ उड़पी से लेकर कोचुवेली तक की। और मैं हूँ इस वक्त उड़पी पे प्लेटफॉर्म नंबर 1। दो प्लेटफॉर्म का स्टेशन है ये और हमारी ट्रेन है 19260 भावनगर कोचुवेली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ट्रेन का अनाउंसमेंट जो है वो हो चुका है। ट्रेन जो है किसी देर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 आ जाएगी। और ये जर्नी जो है ये फिर से है स्लीपर कोच ही। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर साउथ इंडिया में, गर्मी बहुत ज़्यादा। दिसंबर के महीने में भी टेम्परेचर जो है 30 डिग्री से ऊपर का है, तो लगभग उतना ही यहाँ पे टेम्परेचर गर्म है जितना दिल्ली में मई और जून में ही होता है। तो ट्रेन जैसे ही आ जाती है फिर बाकी का ट्रेन जर्नी जो है वो स्टार्ट करेंगे। हमारी ट्रेन भावनगर कोचुवेली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो आप सामने एंटर कर रही है। लोकोमोटिव वेब 7 और कोचेज जो हैं ये हैं LHB कोचेज। वेब 7 वडोदरा डिवीजन। मैं चढ़ा था पीछे S7 से, इसलिए जो है ट्रेन में मैं सब प्लेटफॉर्म से टिकट नहीं दिखा पाया। तो ट्रेन अंदर बहुत ही सुपर फास्ट कैटेगरी है, स्पीड देखो टावर टोल स्पीड है गाड़ी की, सस्ती होगी तो उसमें और ओवरटेक में मजा आएगा। अगर ट्रेन की मैं दिखा देता स्लीपर को तो थोड़ा कूड़ा कचरा आपको मिलेगा, बाकी ट्रेन के बाद मैं अंदर को दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो इधर डस्टबिन वगैरह रखा है और वैसे थोड़ा सा कम है, लेकिन वैसे नॉर्मली अपना यूपी बिहार की साइड की ट्रेनों का होता है उतना गंदा तो नहीं है। टॉयलेट भी वगैरह जो ठीक ठाक ही है। अब एसी कोच तो है नहीं कि आपको पूरा नीट एंड क्लीन मिलेगा, लेकिन जब एक वैसे सीट भी है ये अपने को फायदा हो गया, क्योंकि हमारी जर्नी जो है लगभग 13-14 घंटे की है यहाँ उड़पी से कोचुवेली तक की। और जो कोच भी चलो ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, बस सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरा वगैरह लगा दिया है। स्टैंडिंग में हैंडल वैंडल रख पकड़ के ऐसे जो है खड़े हो सके गेट पास अगर आपको ट्रैवल करना है। वो तो चलो ठीक ठाक है। सीट भी जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और लगेज वगैरह जो है हमने यहाँ पे नीचे लगा दिया है। लगेज इसमें भी काफ़ी मिल गया है, या तो त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस ही रामदीन वाली उसके मुकाबले इसका लगेज स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। बस एक दिक्कत है कि टेबल वगैरह नहीं है कि सामान उस पर रख सके, बाकी चार्जिंग पोर्ट वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगा, सामान टांगने के लिए होल्डर वगैरह सब कुछ है। मीर सोलिमन ट्रेन बहुत सी कोच के अंदर भी CCTV कैमरा है ताकि आपके सामान और आपकी सेफ्टी के लिए जो है हर तरह यहाँ पे जो है CCTV के थ्रू देखा जा सके, ताकि आप और आपकी जर्नी जो है सब सेफ रहे। सावधानी से भी अगर जो चार्जिंग पोर्ट वगैरह आपको मिल जाएगा। कैसा लग रहा है ट्रेन में दबा करके? बस एक्सपीरियंस है ना। अब ट्रेन जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ेगी आगे पड़ेगा नेक्स्ट स्टॉप मंगलुरु सेंट्रल। और मंगलोर पूरा ही सारा कर्नाटक कोस्टल एरिया है, कोंकण रेलवे का कर्नाटक का एरिया है सारा। तो जैसे ही मंगलोर के बाद आगे निकलेगी केरल की तरफ, तो वहाँ से जो है सब तरफ आप जो है वीडियो में आप देख सकोगे कोकोनट के और बनाना ट्रीज का आप पूरा व्यू, पूरी ग्रीनरी वगैरह आपको जो है केरल में दिखेगी इस ट्रेन जर्नी में। तो चलिए ट्रेन जर्नी को हम कंटिन्यू रखते हैं। और गला भी ये थोड़ा सा बैठ गया है, गर्मी के मौसम में गला बैठ गया है। सोचो कैसा लग रहा है ट्रेन ब्लॉग बनाने में भी मतलब काफ़ी जोर लगाना पड़ रहा है आवाज़ से, क्योंकि ट्रेन की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा ऊपर से वॉइस निकालना पड़ रहा है। थोड़ा गले में पेन हो रहा है मगर ठीक है, उसमें ना भी नहीं है। तो हमने सारी चीज़ चिप्स वगैरह ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक वगैरह अपना कैरी किया है, तो ज़्यादा खाने पीने का भी दिक्कत नहीं है। ट्रेन में पेंट्री कार भी है तो आप वहाँ खाना वगैरह आप ले सकते हो। तो पूरी ट्रेन जर्नी यहाँ से जो है
बीच में जो स्टॉप पड़ेगा तो वहाँ पे मैं स्टेशन रुकूंगा। बाकी ट्रेन जर्नी जो है बैक कैमरे से आप पूरी देखो, क्रॉसिंग, ओवरटेकिंग, पैरेलल एक्शन, पैरेलल रन, सब कुछ आपको बैक कैमरे देखने को मिलेगा। और अभी क्रॉस हो रहा है पडुबिया, पडुबिडरी स्टेशन अभी क्रॉस हो रहा है कर्नाटक का। उसके बाद एक स्टेशन और है, उसके बाद आएगा मैंगलुरु सेंट्रल के स्टेशन से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज CSMT मैंगलुरु एक्सप्रेस हमें क्रॉस करती हुई।
और हमारी ट्रेन मंगलुरु एंटर करते हुए देखते हैं कौन से नंबर प्लेटफॉर्म पे जाती है। और प्लेटफॉर्म आई थिंक इस तरफ आएगा। और ये आ गया मंगलुरु जंक्शन का प्लेटफॉर्म। और यहाँ बगल में ट्रेन खड़ी है धारवाड़ मैसूर बागलकोट एक्सप्रेस। ट्रेन अभी हमारी पहुँची है मंगलुरु जंक्शन और यहाँ पे जो है ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए लंच वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे काउंटर बने हुए 2-3 स्टॉल्स हैं यहाँ पर पूरे प्लेटफॉर्म पे। तो आप यहाँ पे जो है सुबह का ब्रेकफास्ट या दोपहर का लंच वगैरह आप यहाँ पे ले सकते हैं। और ट्रेन का स्टॉप यहाँ पे लगभग 5 से 10 मिनट का है, उसके बाद ये ट्रेन आगे चलेगी। यहाँ पे मंगलुरु जंक्शन से मैंने लिया है मिल्क पेड़ा, नंदिनी कंपनी का मिल्क पेड़ा है और इस पर डिस्काउंट है 20% off 20% off ऑन MRP। और MRP जो है 60 की है, उसको लेस करके 50 का हमको पड़ा है। 100 ग्राम का ये मिल्क पेड़ा है और इस पर देख सकते हो आप लिखा है कि इसको 8 दिन के अंदर अंदर इसको ख़त्म करना है। और इंग्रीडियंट देख सकते हो आप मिल्क सॉलिड और शुगर, मिल्क और शुगर का यूज़ करके इसको पूरा पैक किया गया है, पूरा सील पैक है। तो अब हम इसका मिल्क पेड़ा खा के ये आपको बताएंगे, ताकि अगर आप यहाँ पे कर्नाटक रूट पे या केरल रूट पे ट्रैवल कर रहे हो और मिल्क पेड़ा खाना चाहो तो आपको पता होना चाहिए कि इसका टेस्ट कैसा है, ताकि मिल्क पेड़ा आप खाना चाहो तो मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट वगैरह में आप ले सकते हो, बीच में थोड़ा बहुत मिल्क का टेस्ट वगैरह चेंज करने के लिए। और 100 ग्राम के बॉक्स में मिल्क पेड़ा में हमें 10 पीस दिए गए हैं। तो अब आपको मिल्क पेड़ा का खा के इसका टेस्ट बताएंगे कैसा टेस्ट। लाइक काइंड ऑफ ऑथेंटिक और प्योर प्योर जैसा लग रहा है और टेस्ट एकदम नेचुरल है, जो प्योर मिल्क और शुगर का है ना। प्योर मिल्क एंड शुगर से अच्छा टेस्ट है। वेरी गुड। ट्रेन का सिग्नल डाउन हो गया है और ट्रेन हमारी यहाँ मंगलुरु सेंटर से रवाना होने के लिए तैयार है और चल चुकी है यहाँ से मंगलुरु जंक्शन से आगे।
अभी ट्रेन जो है हमारी ये रुकी थी कोझिकोड जंक्शन, और कोझिकोड सब पूरा आपका केरल में पड़ेगा। और दूसरी बात, यहाँ पे IRCTC फूड ट्रैक का लॉन्च भी है, तो कुछ खाना चाहें वो भी ले सकते हैं। लेकिन एक बात, जो वेज खाना है वो इस वक्त नहीं मिलता है, तो इस वक्त आपको रात में सिर्फ यहाँ पे, शाम के अभी बज रहे हैं 6:50, रात भी कह सकते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ जो है नॉन वेज मिलेगा खाने को। तो अगर आप नॉन वेज खाते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वेज खाना लेना चाहते हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। या तो आप ट्रेन की पेंट्री कार्ड से लीजिए और या तो ऑनलाइन लीजिए। तो मैं अभी रात का डिनर लेने के लिए उतर था प्लेटफॉर्म पे, पर मुझे नहीं मिला, तो इसलिए अब मुझे जो है ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। तो हो सकता है कोझिकोड के आगे और जो स्टेशन एर्नाकुलम हो गया या और कोई स्टेशन हो गया, वहाँ से आप जो है खाना रात का आप ले सकते हो। ट्रेन हमारी जो है ये अभी पहुंची है शोणूर जंक्शन, और टाइम हो रहा है अभी रात के 8:44, ठीक 9:30 पे खाना जो है वो मेरे पास आएगा त्रिशूर जंक्शन पर। खाना जो है मैंने ऑर्डर किया था फूड ऑन ट्रैक से, तो एक हमने पूरी भाजी की थाली ऑर्डर करी थी, और एक मैंने अपने लिए जो है पेंट्री कार से, ट्रेन की पेंट्री कार से एक वेज बिरयानी ले ली, जिसका प्राइस मुझे पड़ा 90 रुपये का, और पूरी भाजी जो है वो भी 90 रुपये की पड़ी है। खाना आ जाएगा, उसके बाद खाने का भी रिव्यू मैं आपको कर दूंगा। ट्रेन हमारी जो है शोणूर जंक्शन से चल चुकी है, 15 मिनट बिफोर आ गई थी, तो इस वजह से, और 5 दिन का ऑफिशियल हॉल्ट है, तो 20 से 22 मिनट के बाद यहाँ से चली है। और इधर हमारे पीछे 7 के प्लेटफॉर्म पर खड़ी है यशवंतपुर कन्नूर एक्सप्रेस। तो ट्रेन जो है शोणूर जंक्शन से निकल रही है, और अब जो है इसका अगला स्टेशन, अगला स्टॉप है त्रिशूर, जहाँ पे कि जो मैंने रात का डिनर मंगाया है वो हमें वहाँ पे मिलने वाला है। Eight six.
वनी आप नोट कर लोगे। खाना जो है हमारा ये त्रिशूर जंक्शन पर आ चुका है, अभी आपको ओपन करके दिखाते हैं। पूरी सब्जी हमने मंगाई है एक प्लेट, और ट्रेन भी जो है ये प्लेटफॉर्म से यहाँ से त्रिशूर जंक्शन से अब चल पड़ी है। और एक दस हज़ार ट्रेन में भीड़ भी जो है यहाँ त्रिशूर से काफ़ी कम हो गई, मैक्सिमम पैसेंजर जो है यहाँ पे ट्रेन से बोर्ड हो चुके हैं, और ट्रेन भी जो है यहाँ से धीरे धीरे अब जो है कोचुवेली तक त्रिशूर से जो है ट्रेन ही अब धीरे धीरे जो है खाली होती चली जाएगी। और ये रहा हमारा खाना, पूरी सब्जी 90 रुपीज़ का, इसमें पूड़ियाँ हैं, इसमें सब्जी अभी खोल के अभी उसको ओपन कर देंगे। सब्जी कौन सी है इसमें, हमें छोटा सा मिक्स अचार दिया गया है, और यहाँ पे 10-15 ये टिश्यू दिए गए हैं, और साथ में एक वुडन स्पून भी है। और ये रही मेरी वेज बिरयानी जो मैंने ट्रेन से ली थी 90 रुपीज़ की। तो अभी ये पूरे खाने का जो है आपको हम रिव्यू करके दिखाएंगे। ये है हमारी पूरी सब्जी, इसमें 5 ये आटे वाली पूड़ियाँ, और साथ में जो है छोले बड़े वाले, काबुली चना, और ऊपर से धनिया की गार्निश। पूरी सब्जी पूरे छोले जो है पूरे अच्छे से ग्रेवी के साथ पूरे तैयार है। तो अब हमारे एनके भाई इसको टेस्ट करेंगे, खाना बताएंगे कैसा है। खा के बताओ कैसा है। है क्या मिर्च? मिर्च तो नहीं है ज़्यादा, पानी कम है, मिर्च तीखा कम है। खाना सच में अच्छा है, छोले जो है ज़्यादा ना तीखे हैं ना नमक और मसालों का सब कुछ बराबर है, ऑयली ऑयल भी ज़्यादा नहीं है, और मिर्च भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, सही है। 90 रुपये के पूड़ी छोले बहुत बढ़िया है, मैंने रात में खाना खाने के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप इस ट्रेन में जर्नी कर रहे हो भावनगर कोचुवेली एक्सप्रेस से, या अगर आप मडगांव से त्रिवेंद्रम साइड ट्रैवल कर रहे हो और रात में कुछ खाना चाहते हो नॉर्थ इंडियन में, तो पूरी छोले वैष्णव त्रिशूर जंक्शन पे ले लेना आप, फूड ऑन ट्रैक से ऑर्डर करोगे मज़ा आ जाएगा, बहुत बढ़िया, रियली गुड। अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा ट्रेन में ली गई पेंट्री कार से वेज बिरयानी, देखते हैं ये कैसी है 90 रुपीज़ की वेज बिरयानी खाने में कैसी रहेगी। मेन ज़्यादा जो है तीखा तो नहीं है इसमें, या आपके साथ अगर बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं तो वो भी अगर खाना चाहें तो कैसी रहेगी। और वेज बिरयानी में ऊपर से हल्की सी ग्रेवी डाली है ताकि जो है इसमें खाने में इसमें आसानी रहे। सब्जी तो वैसे वेज बिरयानी में सारी देखने को मिल जाएंगी, जैसे गाजर पड़ी है इसमें, मटर वगैरह थोड़ी थोड़ी कहीं पड़ी है, और थोड़ा सा शिमला मिर्च भी थोड़ा थोड़ा पीजिए, मतलब ऑलिवर मैं कहूँ तो वेज बिरयानी बहुत बढ़िया, देखने में तो अच्छी लग रही है। नॉर्मली जैसे हम वेज बिरयानी वेज वाली खाते हैं वैसी सारी चीज़ें, बाकी इसको भी खा के इसका टेस्ट बताता हूँ मैं कि कितनी अच्छी है ये। क्योंकि इस रूट पे साउथ इंडिया में मडगांव से आगे अगर आप त्रिवेंद्रम कन्याकुमारी कहीं भी जा रहे हैं तो एक बात है, ट्रेन में कहीं भी आपको साउथ इंडिया में वड़ा और बिरयानी के अलावा आपको कहीं नहीं मिलने वाला। वड़े में आपको जो है चटनी वगैरह लगा के देंगे, और इसमें जो है बिरयानी ही आपको ज़्यादा खाने को मिलेगी। तो वेज बिरयानी टेस्ट करके बताता हूँ कैसी है। तो ये लिया मैंने वेज बिरयानी एक स्पून पूरा भर के, और रियली गुड, नमक भी बहुत सही है, और वेज बिरयानी में जो मसाला पड़ा है बिरयानी का वो भी बहुत सही है, और हल्की सी जो ग्रेवी डाली गई थी इसको थोड़ा ढीला रखने के लिए एक ख़राब ना हो वो भी बहुत सही है, मिर्च नहीं है बिल्कुल भी वेज बिरयानी में, सही है। अगर आप बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं और वेज बिरयानी ले रहे हो ट्रेन में तो बच्चे भी जो आराम से खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मिर्च वगैरह कुछ नहीं लगेगी। और एक जने के लिए एक पर्सन के लिए 90 रुपीज़ की वेज बिरयानी का पूरा एक बाउल काफ़ी है पेट भरने के लिए, रियली गुड। तो सही बताओ तो पहली बार राजधानी के पेंट्री कार को छोड़ के
बाकी नॉर्मल ट्रेनों के पेंट्री कार के खाने के मुकाबले मेरे को इस ट्रेन का भावनगर कोचुवेली एक्सप्रेस के पेंट्री कार का ये वेज बिरयानी मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। बढ़िया, एक नंबर। ट्रेन में रात का डिनर हो गया, टाइम हो गया रात के 22:45 यानी 10:45, और अब चला हो चला है टाइम सोने का, क्योंकि नींद बहुत हो रही है, घूमें थकान बहुत हो गई थी। अब थोड़ा दवाई वगैरह खा के ट्रेन में सोएंगे और सुबह 3:30-4 के लगभग ये ट्रेन हमें जो है कोचुवेली पहुंचा देगी। तो आपसे मुलाकात होगी अब कल कोचुवेली पहुंच के, क्योंकि रात में बाहर का अगर जैसा आप देख रहे हो रिकॉर्ड भी करना चाहूँ तो ज़्यादा सीन्स आएंगे नहीं, क्योंकि तो इसलिए यहाँ से जो है अब नाइट के शॉट्स नहीं मिल पाएंगे। तो सीधे मुलाकात होगी कल कोचुवेली पहुँच के। तो ठीक है, मिलते हैं फिर कल सुबह मॉर्निंग में। गुड नाइट। ट्रेन हमारी जो है कोचुवेली पहुंच चुकी है, राइट टाइम 3:00, ट्रेन यहाँ पर आ गई है। और अब देखते हैं यहाँ से क्या कन्वेंस मिलता है ट्रेन वेंडर के लिए, या तो फिर मॉर्निंग की पहली ट्रेन से जाएंगे और या तो फिर ऑटो वगैरह से जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आसपास के स्टेशन के बाहर बस वगैरह मुझे दिख नहीं रही। ट्रेन बहुत बढ़िया, बहुत एकदम स्पीड में गया, 3:00 एग्जैक्ट कोचुवेली हमें उतार दिया। अब देखते हैं यहाँ से क्या कन्वेंस मिलता है। तो कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई ट्रैवल व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।